पहाड़ पूरा खड़ा पहाड़ है एकदम। अभी हम अपने नानी घर आए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे ये ओकरे मेरी मम्मी का फोटो, अरे हाय रे हाय रे, ये ना ना पापा का फोटो, तहिया हम देख ले ये तो ना है, बड़े मामा का फोटो तू ही रख ले ही, और सीमेंट के बोरा, हाँ सीमेंट के बोरा, सारे लोग छोटा है छोटा, तीन मौसी दो मामा, मतलब दो मौसी एक मम्मी है और दो मामा। यहाँ ये नाना का रूम था, ये नानी कैसे ना, ये कौन है, ये कौन है, ये मामा, ये क्या यहाँ पे है मामा, ये वाला क्या जी, ये वाला है, नहीं नहीं नहीं, हम कुछ विंटेज चीजें ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें विंटेज का कीड़ा है। हाय, कब का नाम है, सब बहुत पुराना, अभी सब नहीं चलता, अभी सब चलता का। सारा विंटेज कलेक्शन है, ये पहला यही वाला हम ढूंढ रहे थे उसके, हाँ, इस से आप मांग रहे थे ना। ये पहला है जिससे मुड़ी निकालते थे कोई भी चीज, हाँ कोई भी चीज, याद एक प्लेट है, ये भी वेट बहुत ज्यादा है, ये हमारे सास के जमाना के हो ये सब, और इसमें वेट इतना है, हाँ। बट अभी भी साफ करने के बाद क्वालिटी, हाँ। एकदम वैसे, ये नया प्लेट भी फेल है सब में, हाँ, वजन भी वैसे ही है, एकदम चमक भी वैसे ही है, इसमें लिखा हुआ है, हाँ। नमस्ते, ये जब लोग मेहमान लोग घर में आते तो पैर धोने के लिए लोटा यूज होता था, अभी समझ ले। अभी हम भी बहुत जगह घूम रहे नानी, तो बहुत चीज पता चल रहा हुआ। और ये है भगवान भोला बाबा, सब काफी पुराना है, सब ग्लास व्लास भी है, ओरिजिनल है सब, मतलब ये सब मिलेगा नहीं कहीं पे, व्हाइट व्हाइट है ना, व्हाइट तांबा है, तांबा नहीं है, कांसा है, अच्छा सॉरी हम तांबा बोल रहे हैं, कांसा है, सब भी कसेरा होके बन जाता है, ये सब ग्लास का मॉडल वगैरह, एकदम एंटिक पीस है सब, हम लोग इसका वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, मतलब नानी की सास मतलब की समझ, हाँ। जाएगा हम, 100 साल तो होगा, बेसिये होते 100 साल पुराना ये सब बर्तन है, ये सब तो पहला तो मेरा बनता ही बहुत, ये तो पहला मेरा ये है, मतलब हम मांग रहे थे वो मुड़ी वाला से, तो उसके पास वो वाला था एल्युमिनियम वाला नहीं आता, बड़ा बड़ा है, पीतल है, ये सब एंटिक पीस है, नानी यहाँ बनाया है, नाना, और ये कहाँ का है, ये वाला बनारस, बनारस, तो अभी हम लोग गिरिडीह में हैं,
और गिरिडीह में बहुत सारी घूमने की जगह है, जैसे खंडोली डैम है जहाँ पे अभी हम लोग हैं, और इसके बाद हम लोग पारसनाथ जाएंगे जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। वहाँ पे दिखाते हैं आपको कैसा फील होता है। हम लोग ट्रैक करके जाने वाले हैं पूरा पैदल, और आई गेस 21 किलोमीटर का ट्रैक है वो, तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते हैं हम लोग से वो ट्रैक हो पाएगा या नहीं। अभी हम लोग हिल से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर नीचे हैं, और पहाड़ पूरा खड़ा पहाड़ है एकदम स्ट्रेट, देख रहे हैं आप। और हमारे पास ऑप्शन था कि पूरा रास्ता बाइक से जा सके, पर हम सोचे नहीं, थोड़ा खुद से ट्रैकिंग करके जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। तो आप कितनी बार आए अंकल यहाँ पे? मैं आया हूँ लगभग 9 से 10 बार, 9 या 10 बार। अच्छा, और लगभग 26 या 27 के आसपास वंदना कर चुका हूँ। अच्छा, और आप कहाँ से हो? सागर एमपी। एमपी भोपाल के पास पड़ता है। तो आपको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा नहीं? एक्सपीरियंस क्या है यार, हमारे भगवानों का क्षेत्र है तो अब आना तो बनता ही है। हाँ, वो तो है। अच्छा, और इंडिया में कई क्षेत्र है लेकिन यहाँ से थोड़ी हमारी भावना ज़्यादा जुड़ी हुई है, इसलिए हर साल आते हैं। बाकी फिर मौका लगता है तो कहीं और भी जाते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान में से 20 तीर्थंकर भगवान यहीं से मोक्ष गए हैं, 4 भगवान और अलग अलग जगह से गए हैं, जैसे महावीर भगवान पावापुर से मोक्ष गए हैं, वांछपूत भगवान चंपापुर से मोक्ष गए हैं, नैमनाथ भगवान गिरनार जी से मोक्ष गए हैं, और एक और भगवान है याद नहीं आ रहा है, आएगा, महावीर भगवान पावापुर से, नैमनाथ भगवान गिरनार जी से, वांछपूत भगवान चंपापुर से, और आदिनाथ भगवान कैलाश से, कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। ऊपर चढ़े थे, अभी नीचे जा रहे हैं, जल मंदिर है नीचे सामने, तो वही जल मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं अभी हम लोग। और अलग अलग टोक है, वहाँ पे अलग मंदिर है, वहाँ पे अलग मंदिर है, हर पहाड़ की चोटी पे एक एक मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ड्रोन फुटेज में हम आपको दिखा रहे हैं आगे।
अभी हम लोग पारसनाथ ऑलमोस्ट पीक पे हैं और पूरे साइड क्लाउड ही क्लाउड है। अभी आप देख रहे हो, मैं सामने से भी क्लाउड क्रॉस हो रहा है और ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड प्लेस में से है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप पारसनाथ कवर करो, पारसनाथ कवर करो, तो हम आए हैं। मधुबन कई बार आए हैं हम अपने लाइफ में, बट ऊपर फर्स्ट टाइम चल रहे हैं और ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये। और ये झारखंड का सबसे टॉप पॉइंट है ये। और गर्मा गर्म मैगी और अभी चाय भी आने वाला है और हमारा चना का सैलड आने वाला है। बेसिकली चना और उसमें खीरा, प्याज, टमाटर दे के ये लोग सैलड बनाते हैं। यहाँ पे रोपवे का प्रपोजल था गवर्नमेंट का, बट यहाँ के लोकल जो है वो उसके खिलाफ थे ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि उनका रोजी रोटी पे थोड़ा इफेक्ट करता, तो इसलिए वो लोग बोले कि नहीं, रोक हुए नहीं है, क्योंकि डोली जो लेके आ रहे हैं लोग उनका बिजनेस ठप हो जाता है, क्योंकि सारे लोग भी रोक हुए यूज़ करते हैं। बट मुझे लगता है कि जो वॉक करके आने का जो मज़ा है, पहाड़ पे चढ़ने का जो मज़ा है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सारा व्यू, सारा पॉइंट जा सकते हैं उससे आराम से। थोड़ा टफ है चढ़ना, बट ठीक है, एक बार इंसान को तो चढ़ना ही चाहिए यहाँ पे आके। जो डोली है वो ट्रेडिशनल है यहाँ पे, तो बंद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से भी, तो कहीं ना कहीं ठीक ही है। बाकी तो अब लोगों की रिक्वायरमेंट पे है कि इन्हीं को फैसिलिटी चाहिए, आराम चाहिए, तो ऊपर आएंगे आराम से। और हमारा पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है फिलहाल, क्योंकि इतना अचानक से इतना ऊपर चढ़ना, 9 किलोमीटर हाइट है उस पर वॉक चढ़ना है, फिर 9 किलोमीटर का पूरा ये ट्रैक है सीधा, और फिर 9 किलोमीटर वापस से हमें उतरना है, तो ये टोटल 27 किलोमीटर्स का ये है ट्रैवल है ये, वो भी वॉक करके। हम लोग कुछ दूर बाइक से आए हैं, मेरे को लगता है 3 किलोमीटर के अराउंड बाइक से आए हैं, बाकी उसके ऊपर आपको वॉक करके ही आना होगा। ऐसे बाइक सुनने में तो आया कि बाइक और ऊपर तक भी आता है, बट अभी बारिश के कारण रास्ता ख़राब हो गया, तो वो भी बंद है।